महाराष्ट्र सनसनी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र सनसनी, खबर हमारी आवाज आपकी। महाराष्ट्र के नासिक जिला के येवला में अफगानिस्तान के रहने वाले 35 साल के मुस्लिम धार्मिक गुरु को गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक हत्या करने का कारण सामने नहीं आ पाया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी है कि अफगानिस्तान के निवासी मुस्लिम धार्मिक गुरु की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। इस वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया है। घटना मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर येवला कस्बे के MIDC इलाके में शाम की है। सूचना मिलने के बाद नासिक की येवला सिटी पुलिस थाने से भगवान माथुरे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। मुस्लिम धर्मगुरु को घायल हालत में सरकारी उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने जानकारी दी है कि मृतक की शिनाख्त ख्वाजा सैयद चिश्ती रूप में हुई है। उन्होंने येवला में सूफी बाबा के नाम से जाना जाता था। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी है कि हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मारी है। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर सूफी बाबा के कत्ल करने के बाद उनकी SUV गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। येवला पुलिस थाने में हत्या का केस दर्ज कर दिया गया है और कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापे मार रही है। पुलिस बता रही है कि हमलावरों ने एक मैदान में सूफी बाबा को गोली मारी थी, इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस आरोपियों की खोजबीन इलाके की CCTV फुटेज से खंगाल रही है। इसके साथ ही पुलिस को शक है कि किसी नजदीकी व्यक्ति ने ही सूफी संत की हत्या की है। बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।